नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बाइक सवार को बचाने अनियंत्रित होकर पलटी बस, नवजात की मौत, 20 से अधिक घायल। भैंसाझाड़ डैम से छोड़ा पानी, अरसे बाद बहती अरपा दिखी। बाघों की संख्या बढ़ाने एटीआर में छोड़े जाएंगे चीतल, कानन एक्सचेंज में मैत्री बाघ को देगा मगरमच्छ। और सिंधी लोक कलाकारों का बिलासपुर में आगमन, कहा सम्मान से कला का होगा संवर्धन। तो ये थे सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। तोरवा में ओवरब्रिज के पास रविवार को बस पलटने से 25 यात्रियों को चोटें आई हैं, जबकि एक नवजात की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को सिम्स में भर्ती कराया है। अचानक सामने आए बाइक चालक को बचाते हुए ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा। बताया जाता है रोज की तरह जयेश ट्रेवल्स कंपनी की बस CG10AR9464 यात्रियों को लेकर शिवरी नारायण जा रही थी। करीब सुबह 11:30 बजे लाल खदान ओवरब्रिज के पास बाइक चालक को बचाने ड्राइवर ने अचानक स्टेयरिंग घुमा दिया। अनियंत्रित बस सड़क के डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। भीतर मौजूद यात्रियों की चीखें निकल गई। तेज आवाज सुनकर आसपास खड़े लोग तेजी से मौके पर पहुंचे और डायल 112 को फोन कर दुर्घटना की जानकारी दी। कुछ देर में ही सभी घायलों को इमरजेंसी वाहनों से सिम्स भिजवाया। कुछ लोग मदद लेकर पास के निजी अस्पताल इलाज कराने चले गए। हादसे में करीब 25 यात्रियों को चोटें आई है। एक नवजात की दबने से मौत हो गई, जबकि निजी अस्पताल में भर्ती उसके आहत माता पिता को कई घंटे बाद भी बच्चे की मौत की खबर नहीं लगी थी। भर्ती 10 लोगों को हाथ, पैर, गर्दन और शरीर के कई हिस्से में गंभीर चोट पहुंची है। रॉन्ग साइड से चलकर बस के सामने आया बाइक चालक कौन था, इसकी जानकारी नहीं लगी है। अब हम लोग यहां से तोरवा नाका से बैठे हैं, बैठने के हम लोग मेऊ बाटा जाने के लिए, कोई गिधौरी जाने के लिए निकले हैं और निकला है गाड़ी। इसके बाद ये अपना ये ओवरब्रिज से पहले वो बाइक वाले को बचाते बचाते जाके काटते काटते वो डिवाइडर से टकराई। इसके बाद वो पोल था, खम्बा था, उससे टकरा गई। उसके बाद लगा हम लोग को और सब पलट गई बस टकरा के। क्या लगता है कितने लोग उसमें बस थे? हम लोग 40-45 आदमी थे उसमें, 50 आदमी करीब होंगे। उतना बच्चे थे। देवरी खुट में से चढ़ा हूँ बस और उसके बाद वो आगे में पेट्रोल टंकी है, वहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाले ने राउंड साइड से आके सीधा बस की तरफ घूम गया और उसके बाद फिर क्या हुआ, ड्राइवर नहीं कंट्रोल पाया बेचारा, वो जाके डिवाइडर में शायद पड़ा, उसके बाद गाड़ी मतलब पलट गया पूरा। तो भैया पलटा ना, उसके बाद फिर शोर मचाने लग गया, सब रोने धोने लग गया। मेरा पैर भी तो उसमें दरवाजे में दब गया था और जो कंडक्टर था उसका पैर तो समझ कुछ है ही नहीं है, पूरा ख़त्म हो गया उसका पैर। हैं हाँ, बच्चे उच्चे भी थे, सब उधर भी है और कोई और भी आ रहे हैं, अब पता नहीं किधर किधर गए, मालूम नहीं मेरे भी। बस में करीब 50 यात्री सवार थे जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तोरवा पुलिस अस्पतालों से घायलों की जानकारी जुटाकर मामले में अपराध दर्ज करेगी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता IPC अब भारतीय न्याय संहिता BNS होगी। IPC में 511 धाराएं थी, जबकि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। धाराओं का क्रम बदला गया है। नए कानून में इनमें डिजिटल साक्ष्यों का महत्व बढ़ाया गया है। 1 जुलाई से देश में नया कानून लागू हो जाएगा। 30 जून रात 12 बजे के बाद जो भी आपराधिक घटनाएं होंगी उनमें नए कानून के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नए कानून में वैसे तो बहुत बदलाव हुए हैं, खास बात यह है कि संगीन अपराधों में ट्रायल के दौरान आरोपी डरा धमका व लालच आदि के दम पर समझौता कर लेते हैं और फिर पीड़ित व गवाह मुकर जाते हैं। अब यह आसान नहीं होगा पुलिस के लिए विवेचना में घटना स्थल पर पहुंचने से लेकर हर कदम पर वीडियो रिकॉर्डिंग व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करने की बाध्यता और अदालत में ट्रायल के दौरान मजबूत साक्ष्य देना नए कानून में रहेगा। रविवार को जिले के सभी थानों में राजपत्रित अधिकारी व थानेदार अपने मातहतों को नए कानून की जानकारी मीटिंग में दी है। पहले दंड संहिता कही जाती थी, अब न्याय संहिता कही जाएंगी। सभी जो लॉज हैं जिनके अंतर्गत जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस देश का चलता है वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो रही है। कल से
उसी के संबंध में आज सभी थानों में उसकी जो प्रक्रिया हैं और जो अलग अलग उसमें चेंजेस आए हैं उस संबंध में सभी विवेचकों को सेंसिटाइज करना है, उनको ब्रीफ करना है ताकि 1 जुलाई से वे सभी तैयार रहें और कार्रवाई हम उचित कार्रवाई उस प्रकार से जो नए कानून है उसमें कर सकें। उसी संबंध में सभी थानों के विवेचकों को ट्रेनिंग देनी है, उसी संबंध में ये कार्रवाई की जा रही है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता IPC अब भारतीय न्याय संहिता BNS होगी। IPC में 511 धाराएं थी लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 558 धाराएं होंगी। धाराओं का क्रम बदला गया है। CRPC दंड प्रक्रिया संहिता अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगा। CRPC में 484 धाराएं थी, नए कानून में 531 धाराएं होंगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2003 के नाम से जाना जाएगा। पुराने अधिनियम में 167 प्रावधान थे, नए में 170 प्रावधान हो गए हैं। इनमें डिजिटल साक्ष्यों का महत्व बढ़ाया गया है। इस संबंध में सभी विवेचकों को, अधिकारी कर्मचारियों को मीटिंग लेकर सभी को अवगत कराया जाए। आम जन को अवगत कराने के लिए कल दिनांक 1/7/2024 को पुलिस उत्सव और नए कानून का उत्सव मनाया जाएगा, सभी थानों में मनाया जाएगा और साथ में आम जन को जागरूक किया जाएगा, नए कानून के संबंध में जानकारी दी जाएगी। पुलिस की जो कानूनी प्रक्रिया रहेगी उस संबंध में सभी अधिकारी कर्मचारियों को अवगत कराया जा रहा है। इसी संबंध में आज समीक्षा मीटिंग भी ली जा रही है और आगे की कार्रवाई किस तरीके से करना है, मौके पर किस तरीके से जाके फोटो वीडियोग्राफी करनी है, इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। नए कानून जो बने हैं उसमें जैसे कि पुलिस को वीडियोग्राफी करना है, इस पर पुलिस का जो साक्ष के लिए वो रहेगा जिम्मेदारी रहेगी, वो बहुत संवेदनशील रहेगी और बहुत अच्छे ढंग से वो करना भी पड़ेगा। और बात रही ये तीनों संशोधन के कानून के बारे में, तो मैं ये चाहूँगा कि इसके लिए अधिकारियों को, पुलिस को, एक तो वो होनी चाहिए कि वृद्ध कलाकार के रूप में बैठाया जाए ताकि ये सब कानून को सामान्य जो जनता है वो समझे और उसका परिपालन करे। पुलिस अब तक घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन व पब्लिक के किसी भी गवाह के बयान अपने अनुसार लिख लेती थी, मगर अब सब कुछ वीडियो कैमरे की निगरानी में होगा। इससे अदालत में इन साक्ष्यों को झुटलाया नहीं जा सकेगा और ना ही उनमें किसी तरह का हेर फेर किया जा सकेगा। नए कानून में सबसे अधिक सुविधा गवाह व वादी को दी गई है। अगर गवाह को सूचना नहीं मिल पा रही है तो वह व्हाट्सएप पर मिलने वाले सम्मन व वारंट को भी प्राप्त होना माना जाएगा। अगर वह नहीं आ पा रहा है तो जिस जिले में मौजूद है वहाँ के न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर से ऑनलाइन गवाही दे सकता है। नए कानून में काफी कुछ बदलाव हुए हैं। इनमें सबसे खास बात यह है कि नए कानून के अनुसार नए मुकदमों का ट्रायल चलेगा, जबकि पुराने मुकदमों में पुराने कानून से ट्रायल चलेगा। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पेट्रोल पंप संचालक का अपहरण कर लूटपाट करने वाले आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार जीतू अग्रवाल के पेट्रोल पंप में भोला यादव ने अपनी पत्नी से अवैध संबंधों के शक में विवाद के बाद काम छोड़ दिया था। पुलिस की थ्योरी के अनुसार भोला यादव ने अपने मालिक जीतू अग्रवाल का अपहरण कर लूटपाट किया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में भोला श्रीवास, अजीत श्रीवास, रोहन श्रीवास और मामले का एक अन्य आरोपी लालू यादव फरार है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट और अपहरण की धारा के तहत कार्यवाही की है। मौसम विभाग के भारी बारिश की चेतावनी के बाद बिलासपुर में अरपा भैंसाझार बैराज से 63 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने शहर व आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार देर शाम तक रुक रुक कर बरसात होती रही, हालांकि अनुमान के हिसाब से बारिश अभी कम है। बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा और कबीरधाम जिलों में तेज बरसात होने की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से अरपा भैंसाझार बैराज में जल भराव होने लगा है। अरपा भैंसाझार का कैचमेंट एरिया पेंड्रा के आसपास के क्षेत्र तक फैला है और ये ऊंचाई पर है, इसलिए उस क्षेत्र में होने वाली बारिश का पानी यहाँ जल्दी भरता है। 2 दिनों से जल भराव में बढ़ोतरी हुई है। अरपा भैंसाझार बैराज के सिर्फ 2 गेट रविवार सुबह 4 बजे खोले गए। कोटा जल संसाधन विभाग के मुताबिक कुछ दिनों तक लगातार 2 गेट खुले रहेंगे, इससे नदी में बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि शहर में अरपा नदी का जल स्तर बढ़ गया है,
काफी दिनों के बाद अरपा नदी में पानी का बहाव लोगों को दिखाई दिया। दोपहर तो सरकंडा शिवघाट नया पुल पुराना पुल रिवर व्यू में नदी में पानी का नजारा देखने लोग इसके किनारे पर दिखाई दिए। अरपा भैंसाझार बैराज क्षमता के अनुरूप भरने पर 8 गेट में से कुछ गेट तो खोलना जरूरी होता है। 2 गेट खोलने के बाद इससे अरपा नदी का जल स्तर बढ़ा है। नदी में पानी का बहाव अभी कम है। अरपा भैंसाझार से इस सीजन का पानी पहली बार छोड़ा है। ऊपर अधिक बारिश होने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। पानी छोड़ने के साथ ही प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। मुनादी के माध्यम से लोगों को आगाह किया है कि वे नदी में न उतरें। आपात स्थिति से निपटने के लिए सामुदायिक भवन आदि भी चिन्हांकित कर लिया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। अचानक मार टाइगर रिजर्व प्रबंधन बाघों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में एटीआर में सेवानिवृत्त आईएफएस व पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर आर श्रीनिवास मूर्ति के साथ एक बैठक हुई। उन्होंने प्रबंधन को बताया कि बाघ कैसे बढ़ेंगे। अचानक मार टाइगर रिजर्व लोरमी में बाघों की सुरक्षा उनका संरक्षण कर संख्या में वृद्धि करने नए बाघों के री इंट्रोडक्शन और सतत मॉनिटरिंग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें व्याख्यान और मार्गदर्शन के लिए आर श्रीनिवास मूर्ति को आमंत्रित किया गया था। श्री मूर्ति ने अभयारण्य में मौजूद बाघों के संरक्षण और उनके सतत मॉनिटरिंग के अलावा बायोटिक प्रेशर को कम करने की जरूरत बताई। वहीं टाइगर री इंट्रोडक्शन के लिए उनके आवास क्षेत्र में सुधार कर मानवीय दबाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान उसके शरीर के तापमान से हो जाती है उसी तरह एक बेहतर फॉरेस्ट की पहचान वहां टाइगर की उपस्थिति से की जा सकती है। कार्यशाला में अचानक मार टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर मनोज पांडे डिप्टी डायरेक्टर यूआर गणेश सहायक संचालक के अलावा कोर व बफर के सभी परिक्षेत्र अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में वन विभाग के वाइल्ड लाइफ PCCF प्रेम कुमार भी शामिल थे। उन्होंने टाइगर संरक्षण और री इंट्रोडक्शन के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को समझाइश दी और पन्ना टाइगर रिजर्व के अनुरूप समुदाय से बाघों के संरक्षण की दिशा में बढ़ने प्रेरित किया। कहा गया है इसके लिए मुख्यालय स्तर पर हर तरह की मदद भी दी जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बरसात शुरू होते ही अलग अलग समितियों और सामाजिक संस्थाएं हरियाली बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पर पौधरोपण कर रहे हैं ताकि शहर का वातावरण अनुकूल रहे। इसी कड़ी में नगर निगम वार्ड क्रमांक 13 मंगला धुरीपारा में रविवार को युवा शक्ति संघ के नव युवकों द्वारा यहां तालाब के किनारे पौधरोपण किया गया। अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए गए। वहीं इन पौधों को सुरक्षित रखने का भी सभी ने जिम्मा लिया है। इस दौरान यहां लव पटेल रुपेश सिंह सागर पटेल शंकर पटेल बाल मुकुंद पटेल प्रेम पटेल राहुल राजपूत पंकज गोस्वामी शिवा पटेल विनोद प्रफुल्ल धुरी उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री बीआर यादव की आदमकद प्रतिमा में माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने उनके जयंती पर नमन किया। प्रदेश की राजनीति में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के विकास में उनका कार्यकाल बेहद सफल रहा। ACCL रेलवे पुल और सड़कों का निर्माण कर उन्होंने बिलासपुर को बड़े शहरों की गिनती में खड़ा कर दिया। इस अवसर पर सभा कर सभी ने स्वर्गीय बीआर यादव को श्रद्धांजलि दी। आज बीआर यादव साहब की जयंती आप सब लोगों के समक्ष मनाए हैं और इसमें सभी तरह के लोग थे। हमारे समाज के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, विभिन्न पार्टी के लोग हैं, वो सब जैसे यादव जी सबके बीच में लोकप्रिय थे वैसे उस तरह की उपस्थिति भी रही है और सब ने आकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी अच्छी बातों को आगे भविष्य में अपनाने का एक मन में संकल्प भी लिया हम लोगों ने और इस तरह से आज का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। भिलाई स्थित मैत्री बाग से 20 सांभर सीधे अचानक मार टाइगर रिजर्व में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। इन्हें टाइगर रिजर्व में छोड़ने का मुख्य उद्देश्य बाघों की संख्या बढ़ाना है। बदले में कानन प्रबंधन मैत्री बाग जू को क्रोकोडाइल व बार्किंग डियर देगा। एक जू से दूसरे के बीच वन्य प्राणियों की अदला बदली होती है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसकी अनुमति दी है। इसी के तहत मैत्री बाघ जू प्रबंधन ने एक जोड़ा क्रोकोडाइल और 2 जोड़े में बार्किंग डियर का प्रस्ताव कानन प्रबंधन को भेजा।
कानन के पास दोनों वन्य प्राणी सरप्लस है, इसलिए उन्होंने हामी भर दी, लेकिन बदले में उन्होंने 20 सांभर मांगे हैं। मैत्री बाग जू प्रबंधन भी इसे देने तैयार है। अब आगे प्राधिकरण से सहमति मांगी जाएगी। यह पहली बार है जब जू प्रबंधन किसी जू से वन्य प्राणी लाएंगे, लेकिन उन्हें कानन में नहीं रखा जाएगा बल्कि अचानक मार टाइगर रिजर्व में छोड़ देंगे। इससे बाघों की संख्या बढ़ेगी। अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रबंधन हर प्रयास कर रहा है। ग्रास डेवलपमेंट कार्यशाला, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, ऐसे कई प्रयास इसमें शामिल हैं जो बेहद कारगर साबित होंगे। अब आहार के जरिए बाघों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सांभर बाघों का पसंदीदा आहार है। मैत्री बाघ जू से लेकर सांभर को अचानक मार टाइगर रिजर्व में छोड़ने की योजना है। प्रबंधन ने ये निर्णय तो ले लिया है, लेकिन इसके लिए उन्हें अलग से अनुमति लेनी होगी और उसे कारण भी स्पष्ट करना होगा। इसके बाद ही उन्हें अनुमति मिलने की उम्मीद है। लोक सौ टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रविवार छुट्टी के दिन केंद्रीय जेल बिलासपुर से बैंड की धुन सुनकर यहां से गुजरने वाले वहीं रुक गए। बहारों फूल बरसाओं जैसे सुपरहिट गाने की हूबहू धुन जेल के बैंड टीम के द्वारा बजाया जा रहा था। दरअसल मुख्य प्रहरी जगत राम खड़िया रविवार को सेवानिवृत्त हो गए। 1992 से 2024 तक उन्होंने जेल विभाग में अपनी सेवाएं दी। उत्कृष्ट कार्य के लिए जगत राम को वर्ष 2014 में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। को जेल प्रशासन ने अपने मुख्य प्रहरी को भावभीनी विदाई दी। जेल अधीक्षक होमेश मंडावी सहित अधिकारी कर्मचारियों ने जगत राम खड़िया के काम की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। विवाहित महिला को अपने साथ भगाकर दिल्ली ले जाने वाले आरोपी युवक को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी साकेत चौधरी की जान पहचान 5 साल पहले एक महिला से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई। महिला के बुलाने पर वो कई बार बिलासपुर भी आया। इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। महिला ने मामले की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी साकेत चौधरी के खिलाफ धारा 376 का मामला दर्ज किया। आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बाइक सवार को बचाने अनियंत्रित होकर पलटी बस, नवजात की मौत, 20 से अधिक घायल। भैंसाझाड़ डैम से छोड़ा पानी, अरसे बाद बहती अरपा दिखी। बाघों की संख्या बढ़ाने एटीआर में छोड़े जाएंगे चीतल, कानन एक्सचेंज में मैत्री बाघ को देगा मगरमच्छ। और सिंधी लोक कलाकारों का बिलासपुर में आगमन, कहा सम्मान से कला का होगा संवर्धन। गुजरात और महाराष्ट्र से आए लोक कलाकारों ने कहा कि उन्हें देश भर में आमंत्रण देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे सिंधी लोक कला को संवर्धन करने में उन्हें मदद मिल रही है। रविवार को झूलेलाल मंगलम में सिंधी लोक संगीत उत्सव का आयोजन किया गया। गीतों में पिरोकर कहानियां सुनाने का सिंधी लोक संगीत भगत को जीवित रखने वाले कलाकार शहर में प्रस्तुति देने आए। महाराष्ट्र के उल्हासनगर से आए थावरदास भगत ने बताया, यह कला सिंधी संस्कृति में भगत कंवर राम के समय से चली आ रही है, जो करीब 200 साल पुरानी है। उनकी टीम के सभी कलाकार मिलकर देश भर में इसकी प्रस्तुति देते हैं। बिलासपुर में पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत और भारतीय सिंधु सभा ने सिंधी लोक संगीत का आयोजन किया, जिसमें इन कलाकारों को आमंत्रित किया गया। सिंध से साईं कंवर राम ने शुरुआत की थी। कम से कम पौनी 200 साल से शुरू हुई थी परंपरा, जो आज तक चलती आ रही है। सिंधी कल्चर प्रोग्राम सुनने वाले, जैसे कि इधर के बिलासपुर वालों ने हमको मंगवाया है, बहुत अच्छी बात है, बुलाया है, और हम उनके भी आभारी है जिसने हमको मंगाया है। और ये परंपरा कायम रखने के लिए हम देश विदेश प्रोग्राम करने को जाते हैं। अपने सहयोगी कलाकार भगत मुकेश लाल के साथ थावरदास ने इसकी एक बानगी पेश की।
सिंधी लोक संगीत उत्सव में दूसरी बार अपनी प्रस्तुति देने बिलासपुर आए कच्छ गुजरात के बुद्धा वेला और उनकी टीम ने लोक संगीत के आयोजन के लिए बिलासपुर के सिंधी समाज के प्रति आभार जताया और कहा देश विदेश में बसे सिंधी समाज को उन जैसे कलाकारों को बढ़ावा देना चाहिए। हम तो ये पीढ़ियों से पीढ़ी हमारा आ रहा है और इसमें छोटे बच्चे भी कुछ साथ दे रहे और आगे चलते इसमें बजाने में गाने में। वो जो अब चल रहा है सब जगह कल्चर के लिए जूनी जो परंपरा है उसको बढ़ा रहे हैं। सिंधी जबान में लोक गायकी का जलवा देश विदेश में कई बार बिखेर चुके बुद्धा नई पीढ़ी को ये कला विरासत में देने की सफल कोशिश कर रहे हैं। उनके दल में युवा चेहरे दिखाई दिए। कहते हैं जहां कलाकार की कद्र होती है उसे सम्मान मिलता है तो वह बुलावे पर वहां जरूर जाते हैं। यही कारण है कि विभिन्न प्रांतों में सीमित संख्या में बचे सिंधी लोक संगीत के कलाकार आमंत्रण पर बिलासपुर खींचे चले आते हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। रविवार को दो पालियों में प्री बीएड और प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन व्यापम ने लिया। सुबह पहली पाली में 93 केंद्रों में प्री बीएड परीक्षा हुई जिसमें 19,758 उम्मीदवार शामिल हुए। पंजीयन के मुकाबले यह उपस्थिति 62% रही। दोपहर दूसरी पाली में प्री डीएलएड प्रवेश के लिए पंजीयन संख्या 33,000 से अधिक देखते हुए व्यापम ने 97 परीक्षा केंद्र बनाए थे। यहां 20,818 उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे जो कि 63% थे। उम्मीदवारों के बड़ी संख्या में नहीं पहुंचने से व्यापम फिर हैरान हुआ। भर्ती और प्रवेश परीक्षा में सरकार द्वारा परीक्षा शुल्क माफ करना इसका बड़ा कारण है। तैयारी के सबसे अच्छा क्वेश्चन आया था इस बार। बड़ी किस किस फील्ड से, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड? एजुकेशन से रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन आए थे इस बार। फर्स्ट टाइम आपने? नहीं, सेकेंड टाइम दे रही हूँ। पहला टफ था कि सेकेंड? नहीं, ये वाला ज़्यादा टफ था, थोड़ा पहले वाले से बेटर था, अच्छा था। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो कौन से विषय का ज़्यादा टफ या कुछ लेंदी लगा? मैथ्स का तो जो था ना वो लगा बस। कौन सा? मैथ्स का जो डायग्राम वाला था वो थोड़ा लगा क्योंकि उसका मेरा तैयारी नहीं था ना, इसलिए बस। कट ऑफ लगता है कितना चला जाता है? लास्ट ईयर कितना गया था, कुछ आइडिया? फर्स्ट टाइम दिया आपने? नो, फर्स्ट टाइम था। मैं सीजीपीएससी की स्टूडेंट हूँ तो मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, इसका मैंने किया नहीं था। तो बाकी जो जो शैक्षणिक वाला जो पोर्शन था वो मतलब अपने कॉमन सेंस से मैं डाली हूँ, बाकी तो मैं पढ़ी हुई थी तो उसको मैंने रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश वगैरह, तो ये ठीक गया मेरे से। चिकित्सा के क्षेत्र में सिम्स ने एक नया कदम उठाते हुए ओपीडी पंजीकरण के लिए क्यूआर कोड स्कैनिंग सिस्टम की शुरुआत की है। यह प्रणाली उन मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है जो सिम्स में इलाज के लिए आते हैं। इस नए क्यूआर कोड स्कैनिंग सिस्टम के तहत मरीजों को पंजीकरण के लिए लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने घर से भी सेवा का उपयोग कर सकते हैं और अपना कीमती समय बचा सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद सरल है। क्यूआर कोड स्कैन कर दिए गए निर्देशों का पालन करना है। सिम्स अधीक्षक ने बताया कि यह प्रणाली मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है जिससे उन्हें पंजीकरण के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। एटीएम या अपने मोबाइल से पेटीएम करते हैं क्यूआर कोड को देख के तो आपका पैसे भुगतान हो जाता है। उसी प्रकार क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन आपका ऑटोमेटिक प्रिंट आउट होकर निकल जाएगा। ये इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी जिसमें समय की बचत होगी। बरसात ने उसलपुर रेलवे स्टेशन की व्यवस्था की पोल खोल दी है। दरअसल स्टेशन में अब तक पूरे प्लेटफॉर्म के हिस्से में शेड लगाने का काम नहीं हुआ है। कई जगह से बरसात का पानी टपक रहा है। इस अव्यवस्था को लेकर यात्रियों ने रेल प्रशासन को जमकर कोसा।
उसलापुर स्टेशन को जोनल स्टेशन का विकल्प मानकर एसईसीआर इसे सेकंड टर्मिनल बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत में यहां उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है। इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। यहां शेड लगाने का धीमा कार्य देखकर यात्री गर्मी के सीजन में खूब परेशान हुए। इसे शीघ्र पूरा करने की मांग की गई, लेकिन रेल प्रशासन ठेकेदार पर दबाव बनाने में असफल रहा। इसके चलते अब बारिश के दिनों में यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को हुई बारिश के कारण इन्हें भारी परेशानी हुई। जोनल मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर स्थित इस रेलवे स्टेशन की खस्ता हाल स्थिति को देखकर यात्रियों में रोष है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर लगा शेड कई जगह से टूट फूट गया है। बरसात का पानी इससे टपकता है। चबूतरे पूरी तरह गीले होने के कारण यात्रियों को बैठने में परेशानी होती है, लेकिन रेलवे के अधिकारी या स्टाफ को उनकी परेशानी नजर नहीं आती। ऐसी हालत में यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। पानी से बचने के लिए वे इधर उधर भागते दिखाई दिए। विडंबना है कि रेल अफसर कई बार यहाँ निरीक्षण करने पहुँचे हैं, लेकिन उन्हें अव्यवस्था दिखाई नहीं दी। स्टेशन की अभी जो हालत दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि रेलवे निरीक्षण के नाम पर केवल औपचारिकता पूरा कर रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। यातायात नियमों का पालन करने वालों को ट्रैफिक पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन अवार्ड से सम्मानित करेंगी। पुलिस का मानना है कि जब यातायात नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूल किया जाता है, तो इसका पालन करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों का अब यातायात पुलिस सम्मान करेगी। जिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से ट्रैफिक पुलिस यातायात का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखती है, ठीक इसी तरह पुलिस अब यातायात नियमों का पालन करने वालों पर भी नजर रखेगी और उनका ट्रिपल पी यानी पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन अवार्ड से सम्मान करेगी। दरअसल देखा गया है कि जिले में रोजाना 50 से 60 हजार लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। पुलिस महज 400 लोगों को ही ट्रैक कर पाती है। यातायात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर का कहना है कि चालान काटना उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन यातायात नियमों का पालन सभी करे यह उनका लक्ष्य है। यातायात का नियमों का पालन करने वाले जो लोग हैं उनको भी सम्मानित करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि जो व्यक्ति यातायात नियमों का पालन नहीं करता उसको दंडित कर रहे हैं। तो जो पालन कर रहा है, जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। तो अभी जैसे चेतना कार्यक्रम हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की एक अभिनव पहल पर अभी शुरू हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने इनको सम्मानित किया है। और जो हेलमेट धारण करके या ट्रैफिक रूल्स का पालन हर दिशा में कर रहे हैं, उनको हम लोग जो बेस्ट होंगे उनको ट्रिपल पी अवार्ड पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन अवार्ड है उसके माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय सम्मानित करेंगे। तो ऐसे जो लोग ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए काम भी कर रहे हैं और ट्रैफिक को लेकर खुद अवेयर हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित पुलिस के द्वारा किया जाएगा। यातायात पुलिस ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ मिलकर और भी प्रमुख स्थानों का सर्वे किया है जहां सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना है। जल्द ही शहर के प्रमुख मार्ग सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगे। सभी से यातायात नियमों का पालन करने कहा गया है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई है। इसमें महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टॉयलेट के साथ रेस्ट रूम, मेकअप रूम और फीडिंग रूम की व्यवस्था भी की है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।